subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ZTV के पॉपुलर शो यानी कि कुमकुम भाग्य में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां बात की जाए हाल फिलहाल के एपिसोड की, तो देखने को मिला कि प्रज्ञा के साथ साथ बाकी घर वाले भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्रज्ञा पूरी कोशिश करती है कि वो सीएम तक वो लेटर पहुंचा सके जिसमें उसने लिखा हुआ है कि सीएम की जान खतरे में है, इसलिए सीएम यहां से भाग जाए। लेकिन सीएम वो लेटर नहीं पढ़ पाती, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलेगा कि सभी घर वालों और प्रज्ञा के साथ अब रिया भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, क्योंकि बॉडीगार्ड को पता चल जाएगा कि प्रज्ञा कोई नया खेल खेलने वाली है, इसलिए वो रिया को टारगेट कर लेगा। रिया के सर पर बंदूक रख देगा और उसकी जान लेने की कोशिश करेगा कि तभी सामने प्रज्ञा आएगी और कहने लगेगी कि ये उसकी बेटी जैसी है, ये उसकी जान नहीं ले सकता। जिस बात को सुनकर बॉडीगार्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और कहने लगेगा कि अब तो वो रिया की जान लेकर ही रहेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि यहीं पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि सामने से अभी आने वाला है, अभी देख लेगा कि रिया की जान खतरे में है और उसके साथ प्रज्ञा भी खड़ी हुई है, तो वो चिल्लाकर कह देगा कि रिया उसकी बेटी है। जिसके बाद प्रज्ञा के सामने जाने अनजाने ही सही ये खुलासा हो जाएगा कि रिया प्रज्ञा और अभी की दूसरी बेटी है, जिसके बाद ये राज पूरी तरह से तोड़कर रख देगा प्रज्ञा को। अब आगे देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि प्रज्ञा कैसे रिया को बताती है कि वो उसकी सगी माँ है, या फिर कहानी लेगी कोई नया मोड़। क्या कुछ होगा आने वाले एपिसोड में और कितनी ज्यादा दिलचस्प होगी कहानी, इस बात की जानकारी लेकर लौटेंगे आपके पास। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज निजम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.